इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए नजर डालते हैं ललितपुर की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरों पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी में इलाज की व्यवस्था आदि का जायजा लेने शनिवार को इटावा पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 11:15 पर हेलीपैड पर उतरा। यहां से वह कार में चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां नए बन रहे 1000 पर मिनट लीटर के ऑक्सीजन के प्लांट को देखने गए। इस प्लांट का निर्माण कार्य 18 मई तक पूरा हो जाना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई, साथ ही प्लांट निर्माण जल्द पूरा कराने को कहा। इसके बाद मुख्यमंत्री कोविड अस्पताल और मरीजों को मिलने वाले सुविधाओं की जानकारी ली। विश्वविद्यालय में ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की। 12:15 पर पत्रकारों से चर्चा के बाद गांवों की ओर निकल गए अधिकारी। मुख्यमंत्री को उन्हीं 5 गांवों में ले जाने की तैयारी में, जिनमें साफ सफाई कराई गई। 1:15 पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कानपुर के लिए रवाना हो गए। और उसके घर में रहने की व्यवस्था नहीं तो क्या करेंगे आप? सर, क्वारंटाइन के लिए यहाँ पे व्यवस्था की है। बनाए हैं उसके भोजन की व्यवस्था हो रही है उसकी व्यवस्था? आप करते हैं या आपके प्रतिनिधि करते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, सुंदर है, मेहनत से काम करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना? ऐसे ही करिए। देखिए, कोरोना एक चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन ये सेवा का भी एक अवसर देता है। हम लोगों की क्षमता को भी जांचने का एक अवसर मिल रहा है, ठीक है ना? बहुत मजबूती के साथ काम करिए, जनता की खूब सेवा करिए, जरूर इसका फल भी मिलेगा। ठीक है, हम लोगों का वादा है सर, गरीब मांगरिया अपने क्षेत्र में कोरोना आने नहीं देंगे। एकदम हर गांव को ललितपुर में कोरोना काल में भी अन्नपूर्णा सेवा संघ समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम के चलते आज फिर जिला अस्पताल के लिए समिति द्वारा 40 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी अद्रावी दिनेश कुमार के साथ दिल्ली के सभी अधिकारीगण मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी अद्रावी दिनेश कुमार ने अन्नपूर्णा सेवा संघ की इस सराहनीय पहल की बखूबी तारीफ करते हुए कोरोना काल में इसे सराहनीय पहल बताया, और वह अपने काफिले के साथ जिला अस्पताल निरीक्षण करने के लिए निकल गए। ललितपुर जिलाधिकारी अद्रावी दिनेश कुमार ने आज जिला अस्पताल परिसर में स्थित कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड के मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की बारीकी से जांच निरीक्षण किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीके गर्ग के अलावा भी जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। ललितपुर जिले के कस्बा बार में थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह पुलिस बल के साथ कस्बे की सड़कों पर निकले और बेटाइम खुली दुकानों को बंद कराते हुए दुकानदारों को हिदायत दी एवं दुकानों को बंद कराया, तो वहीं लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की। इसके बाद वे पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे, जहां किसान अपनी सम्मान निधि का पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे हुए थे। उन्हें भी सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाते हुए सभी से कोरोना काल के चलते उचित दूरी बनाए रखने की बात कही, जिससे कि इस महामारी के दौर से बचा जा सके, इसमें सभी की भलाई है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। मास्क से कोई अंदर नहीं जाएगा, ठीक से लगाओ मास्क, खरीद नहीं सकते। ललितपुर नगर पालिका परिषद द्वारा कोविड 19 के चलते नगर में लॉकडाउन के दौरान लगातार चल रहा है सैनिटाइजेशन। शहर के सभी प्रमुख चौराहों और मोहल्लों में नगर पालिका परिषद की टीम द्वारा वृहद सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है। ललितपुर में भाजपा लघु उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष अजय सिंह साइकिल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप कर सुबह 8 से 12 बजे तक बाजार खोलने की मांग की। ललितपुर जिले में कोविड 19 के चलते आज 19 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए तथा 77 लोगों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया तथा जिले में अब कोरोना के एक्टिव मरीज 594 तथा जिले का कोरोना रिकवरी रेट 94.54 चल रहा है। ललितपुर जिले के तहसील पाली क्षेत्र अंतर्गत पाली थाना अध्यक्ष कृष्णवीर ने कोविड 19 के चलते कस्बे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल के साथ देर शाम नगर के बस स्टैंड एवं पुराना बस स्टैंड, नगर पंचायत तिराहा, मैन बाजार, गांधी चौक इलाके में पैदल गश्त किया। साथ ही इलाके में सघन चेकिंग अभियान के दौरान कई वाहनों एवं बगैर मास्क जा रहे लोगों के चालान काटे। इस दौरान थाना अध्यक्ष कृष्णवीर ने सभी से कोविड 19 के चलते घरों में सुरक्षित रहने की अपील की।
ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना तालबेहट कोतवाली प्रभारी कामता प्रसाद ने अवैध खनन की शिकायत पर पुलिस बल के साथ बालू से लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से ही पकड़ा और उसे कोतवाली लाते समय ट्रैक्टर ड्राइवर से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटते ही ट्रैक्टर चालक मौका पाकर मौके से चकमा देकर फरार हो गया। थाना तालबेहट पुलिस ने जैसे तैसे ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना तालबेहट कोतवाली पहुंचाया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तालबेहट से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये थी ललितपुर जिले की आज की दिन भर की प्रमुख खास खबरें। आगे भी खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हर खबर आपको समय समय पर मिलती रहे। राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।